Assalamu alaikum, myself Tala Salim and I am your biology instructor from VTutions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. You can avail lectures, PowerPoint and you can also do quizzes on our website which is VTutions.com और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। अब हम चलते हैं लेक्चर की जानिब। हम चैप्टर 3 पर थे और मैंने चैप्टर 3 में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको बताना शुरू कर दिया था। तो 4 लेक्चर कवर हो गए थे, आज हम 5वां लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो हमने 4 लेक्चर में जो एक डिस्कस किया तो मैं उसको एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं, आपको समरी कि हमने उसके अंदर सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन। फिर मैं आपको सेल ऑर्गेनिलीज पर ले गया कि डिफरेंट ऑर्गेनिलीज मौजूद हैं, और उसके साथ साथ फिर मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताया, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट गॉल्जी एपरेटस और फिर हमने फर्दर ऑर्गेनिलीज को भी डिस्कस किया। आज हम जिन ऑर्गेनिलीज को पढ़ने जा रहे हैं वो हैं लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स। अच्छा, मैंने लेक्चर्स में आपको ये बताया था कि जहाँ पर भी सोम्स का वर्ड यूज हो उसका मतलब ये होता है कि सोम्स रिप्रेजेंट्स बॉडी। तो यहाँ पर ये बेसिकली तीनों बॉडीज हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं और तीनों के एक डिफरेंट फंक्शन है। तो आज हमारा लेक्चर इन्हीं पर बेस करेगा। अब सबसे पहले आते हैं लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। अच्छा, लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो लाइसोसोम्स को बनाती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। यानी लाइसोसोम्स का काम बेसिकली ये होता है कि सेल के अंदर के ये किसी भी चीज की डाइजेशन करवाता है, यानी जैसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं कि सेल में अगर कोई चीज, सपोज कोई सेल ने एक कंपोनेंट या कोई भी एक चीज अंदर इनटेक कर ली बाय द हेल्प ऑफ इन्वेजिनेशन फोल्डिंग जो बनती है, तो उसके बाद लाइसोसोम्स क्या करेंगे कि लाइसोसोम्स उन जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें अपना एंजाइम्स रिलीज करके उनकी ब्रेक डाउन करवाएंगे ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सकें, और इसके साथ साथ कोई अगर हार्मफुल एंजाइम्स, कोई हार्मफुल कंपोनेंट है तो उसकी भी डाइजेशन करवा सकते हैं। तो लाइसोसोम्स में ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तकरीबन 40 डिफरेंट टाइप्स के मौजूद होते हैं, और लाइसोसोम्स अब ऑब्वियसली तौर पर गोल्जी बॉडीज से बने तो उन्हें मेच्योर होना भी पड़ता है। तो वो लाइसोसोम्स जो कि बिल्कुल स्टार्ट में बनते हैं, यानी अभी उनके अंदर प्रॉपर प्रॉपर्टीज नहीं है, वो कहलाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, या उन्हें अर्ली लाइसोसोम्स भी कह सकते हैं। अब लाइसोसोम्स मैंने कहा कि फेगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इनको लाइसोसोम्स को एक और नाम भी दिया जाता है विच आर कॉल्ड सुसाइडल सेक्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, तो अगर सेल में आपकी बॉडी को नीड होती है कि कोई सेल ओल्ड हो गए या किसी सेल को आपकी बॉडी से रिमूव करना है, जैसे अर्ली डेवलपमेंट फेज होती है, यानी जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट या बेसिकली जो अर्ली डेवलपमेंट जिसमें बेबी की बॉडी बन रही होती है, तो अब उसके अंदर क्या है कि आप हमारी फिंगर्स को नोट करें तो हमारी फिंगर्स में ये बीच में गैप्स नजर आ रहे हैं। ये जो बेसिकली एक फिंगर दूसरी फिंगर से सेपरेट हुई है वो इस वजह से कि इनके बीच के जो सेल्स थे वो बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस खत्म हो गए। तो किस तरह होते हैं कि एपोप्टोसिस में सेल को कमांड किया जाता है कि उसे बेसिकली अपने आप को सुसाइड करनी है, यानी इन शॉर्ट उसने अपने आप को खत्म कर देना है। तो आपकी बॉडी ये कमांड देती है लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन डिजोल्व होती है, उस मेम्ब्रेन डिजोल्व होने की वजह से उसके अंदर जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन करवा रहे थे वो सेल में रिलीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से पूरे सेल की डेथ हो जाती है और इस तरह एक सेल मर जाता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये सुसाइडल सेक्स इसीलिए ही काम कर रहे हो कि अर्ली डेवलपमेंट में, कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल सेल है या आपकी बॉडी को खतरा है कि कोई सेल आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उस कंडीशन में भी लाइसोसोम्स अपने आप अपनी मेम्ब्रेन लॉस करके एक्ट एज अ सुसाइडल सेक्स। अब लाइसोसोम्स को 3 और नाम भी दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, इधर दे आर कॉल्ड एंडोसोम्स इफ दे आर एंड फेगोसोम्स एंड autophagosomes depends upon whether what function they are performing, such as in phagosomes they are performing the activity of phagocytosis, autophagosomes ke case mein autophagocytosis karwa rahe hain, to is wajah se lysosomes ki different naam bhi hai। ab lysosomes ka structure yahan par ek maujood hai,
तो लाइसोसोम्स एक सर्कुलर सी बॉडी है, और अब यहाँ पे देखें तो इसमें यहाँ पर ये जो बेसिकली हाईलाइट हुए हैं कुछ येलो पार्ट, तो ये बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम्स की डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी में मदद करवा रहे होते हैं। लाइसोसोम्स आपकी बॉडी में है तो यानी आपकी बॉडी में कोई सबस्ट्रेट होते हैं, तो आपकी बॉडी में सबस्ट्रेट यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई कॉम्पोनेंट जिसे आपकी बॉडी को बॉडी ने खत्म करना है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में लाइसोसोम्स ना हो या बाय जेनेटिक आपके जीन्स में कोई डिफेक्ट हो कि आपकी बॉडी लाइसोसोम्स ना बना सके, प्रॉपर लाइसोसोम्स अपना काम नहीं फंक्शन दे सके, या फिर ये कि लाइसोसोम्स मौजूद तो हो लेकिन उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रॉपर काम ना कर रहे हो या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ना हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स इनकी वजह से या इन शॉर्ट लाइसोसोम्स के डिफेक्ट्स की वजह से बीमारियां भी होती हैं। तो तकरीबन मोर देन 30 टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं जो कि लाइसोसोम्स की वजह से होती हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा हो रही होती हैं वो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, TSX, गाउचर एंड क्रेब्स डिजीज। TSX डिजीज जो है उसमें सिम्टम मेन ये है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्लाइंडनेस भी होती है, और जो यूजुअली डेथ होती है किसी भी चाइल्ड की वो बाय द एज ऑफ 3 डेथ हो जाती है। तो अब ये होता है क्यों है TSX डिजीज, अब मैंने वही कहा कि कॉम्पोनेंट्स हैं, तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की अगर एक्यूमुलेशन या कोई भी सेल चीज आपकी सेल में बढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है। TSX के केस में फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, अब फैटी एसिड्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो आपके ब्रेन या उस ब्रेन के फंक्शंस को रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। नेक्स्ट मैंने गाउचर डिजीज, गाउचर डिजीज की भी मजीद 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब गाउचर डिजीज में भी अगेन वही के गाउचर डिजीज में भी जो सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट होता है वो लिवर और स्प्लीन में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से लिवर और स्प्लीन इनलार्ज यानी अपने नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाते हैं। अच्छा, इस इनलार्जमेंट के लफ्ज को आप कई जगहों पे पढ़ेंगे मगेली के नाम से भी, तो अगर कहीं पे लिखा हो स्प्लीनो मगेली या हेपेटो मगेली तो वो मीन्स यही होता है, मगेली इनलार्जमेंट को कहते हैं, या किसी भी चीज का साइज बड़े होने को। और अगर जो सबस्ट्रेट लिवर और स्प्लीन में मौजूद ज्यादा बढ़ रहा है वो आपके बोन्स में भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बोन्स में इरोजन भी हो सकती है, और अगर वो ब्रेन में हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। थर्ड वन डिजीज इज क्रेब्स डिजीज, जिसके अंदर माइलिन बेसिकली लॉस हो जाता है, मसल्स बेसिकली इन शॉर्ट वीक पड़ जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन इसमें भी वही, क्योंकि इसमें भी जो कंपोनेंट्स हैं वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से क्रेब्स डिजीज हो जाती है, और इसमें भी डेथ बाय एज ऑफ 2 हो जाती है। तो ये 3 कॉमन डिजीज थी। अब लाइसोसोम्स के बाद हम चलते हैं परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स पर। परऑक्सीसोम्स ग्लाइऑक्सीसोम्स दोनों तकरीबन सेम है, परऑक्सीसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ग्लाइऑक्सीसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। परऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो प्लांट्स में मौजूद होते हैं, जबकि ग्लाइऑक्सीसोम्स की मैं सॉरी ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है वो प्लांट में मौजूद होते हैं, और परऑक्सीसोम्स तकरीबन सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। जो ग्लाइऑक्सीसोम्स है उन्हें आप स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, इन दोनों के फंक्शन में ज्यादा फर्क मौजूद नहीं होता। जैसे अब परऑक्सीसोम्स के आप फंक्शन में देखें तो ये आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है, यानी आपकी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो एक हार्मफुल कंपोनेंट है ये उसकी डाइजेशन करवाता है और उसको ब्रेक करवाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ अ कैटेलेस एंजाइम। अब परऑक्सीसोम्स में भी क्योंकि सोम्स एक बॉडी है ये, तो इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ग्लाइऑक्सीसोम्स की मैं बात करूं, ग्लाइऑक्सीसोम्स में भी ग्लाइऑक्सीसोम्स फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये एक साइकिल होती है जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहलाती है। और अब लास्ट यही के परऑक्सीसोम्स लिवर सेल्स में मौजूद होते हैं और ग्लाइऑक्सीसोम्स फैट स्टोरिंग टिश्यूज में मौजूद होते हैं। परऑक्सीसोम्स का मैंने आपको कहा कि परऑक्सीसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहे हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में लिवर करवाता है, तो आपकी बॉडी में जो भी कोई हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स है वो लिवर वहां पे लिवर उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। इसी वजह से लिवर में भी यही परऑक्सीसोम्स है जो कि लिवर का काम आसान कर रहे हैं या आपकी बॉडी में से हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है और ये डायग्राम्स आपकी बुक से ही ली गई हैं। जैसे पैराऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स में आप देखें तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के पास मेम्ब्रेन है और इसके अलावा एक मैट्रिक्स है और एक कोर पर बेस्ड होता है।
कुछ अदर फंक्शंस भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस भी होते हैं पेरोक्सिस्म्स के, जैसे कि पेरोक्सिस्म्स प्लाज्मोजेन एक मॉलिक्यूल है जो जिसकी ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं ब्रेन और हार्ट टिश्यूज में, और इसके अलावा ग्लाइकोलेट एक एक अगेन मॉलिक्यूल है उसकी बेसिकली ये के कन्वर्जन करवा रहे होते हैं एक एंजाइम्स के थ्रू विच इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड। बाकी एनिमल में की मैं बात करूं तो एनिमल सेल में लिपिड मेटाबॉलिज्म में मदद करवाते हैं, यानी ये कि लिपिड की डाइजेशन या लिपिड को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करवाते हैं। और बाकी ये के पेरोक्सिज़ोम्स में सिर्फ कैटेलेस एंजाइम मौजूद नहीं है बल्कि मल्टीपल टाइप्स के एंजाइम्स मौजूद हैं, जैसे कि कुछ के मैंने नाम लिखे हुए हैं पेरोक्सिडेस ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सीडेस। आज के लिए लेक्चर इतना ही, अब वी विल डिस्कस सम अदर ऑर्गेनेलीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी पूछ सकते हैं। टू डाउनलोड आवर लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज vtuitions.com, और हमें फॉलो करना ना भूलें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।